दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने वाला हूँ, एक ऐसा पिक्चर दिखाने वाला हूँ जिसको देखकर आपको डेफिनेटली काफ़ी मज़ा आने वाला है। इनफैक्ट अगर आप पवनदीप और अरुणिता के फैंस हो, अरुदीप के फैंस हो, तो ये पिक्चर आपको देखनी ही चाहिए, क्योंकि ये पिक्चर इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा रहा है, धड़ल्ले से वायरल हो रहा है और इंस्टाग्राम पर भी ये पिक्चर काफ़ी वायरल हुआ है। चलिए मैं बताता हूँ कि वो पिक्चर कौन सी है और उसके पीछे की बात है कि उस पिक्चर को लेने से पहले क्या क्या बिहाइंड द सीन में हुआ है। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं और वो फैक्ट ये है कि पवनदीप राजन बन गए हैं इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पवनदीप राजन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पवनदीप राजन फैंस। खैर दोस्तों, यहाँ पर एक बात और है जो हो सकता है आपने नोटिस नहीं की हो, वो ये है कि एक बार फिर से हमारे चैनल क्रिएटर रिसर्च की जो भी फैक्ट ऑब्जर्वेशंस और रिसर्च थे वो सही हो गए हैं, क्योंकि हमने आपको 14 अगस्त को ही बता दिया था कि विनर कौन बन सकता है। जी हाँ, डेफिनेटली पवनदीप राजन। और एक बार फिर से हमारे चैनल की जो भी फैक्ट और रिसर्च थे वो सही साबित हुए हैं। तो जिनको भी 14 अगस्त वाली वीडियो में डाउट था, उम्मीद है कि पवनदीप राजन के विनर बनने के बाद ये सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। खैर दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और साथ ही साथ एक छोटा सा नोटिस है कि अगर आप पवनदीप, अरुणिता और बाकी कंटेस्टेंट के फ़ैन हो, तो जैसा कि आपको पता है कि इंडियन आइडल ख़त्म हो चुका है, तो इससे रिलेटेड अब हमें जो बड़ी जानकारियाँ हैं वो नहीं मिलेगी। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि प्लीज़ आप हमें आइडल ख़त्म होने के बाद भी पवनदीप, अरुणिता और बाकी कंटेस्टेंट के बारे में बताएं, उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, उनके गाने के बारे में बताएं और उनकी साथ की तस्वीरों के बारे में बताएं। सो गाइज, ऐसे में आप हमारे चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैं मेंबर्स ओनली पोस्ट करने वाला हूं। हालांकि अगर मेरे पास कोई बड़ी खबर आई तो डेफिनेटली उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के मैं आपको तो बताऊंगा ही, लेकिन अगर कोई 10 सेकंड, 20 सेकंड या कोई एक छोटा सा पिक्चर आता है पवनदीप, अरुणिता या बाकी कंटेस्टेंट का, तो उसको मैं मेंबर्स ओनली पोस्ट में डालूंगा, क्योंकि उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो नहीं बन सकता है। दैट्स वाई जिन्होंने भी हमारे चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच, आपको तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है वो हमारे चैनल मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारे चैनल लिंक के बगल में जो ज्वाइन का बटन मिलेगा उसमें क्लिक करके आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं और आपको भी पवनदीप, अरुणिता और बाकी कंटेस्टेंट्स से रिलेटेड छोटी सी छोटी माइन्यूट जानकारी भी मैं आपको मेंबर्स ओनली पोस्ट में दूंगा। इनफैक्ट मैं आपसे खुद बात करूंगा लाइव आकर सिर्फ मेंबर के साथ, जो कि डेफिनेटली काफ़ी अमेजिंग होगा। तो आप चैनल मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो और बाकी तो मैं आपको ऐसी ही खबरें देते रहूंगा। दोस्तों 2 मिनट तक तो मैंने काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर लिया है, इनफैक्ट आपने टाइटल और थंबनेल में तो इस पिक्चर को देख ही रखा है। तो चलिए अब आपके स्क्रीन पर ये पिक्चर आ चुका है और मैं बताता हूं इसके बिहाइंड द सीन के बारे में। सबसे पहले आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि यहां पर आपको दिख रही है पवनदीप की फैमिली के साथ अरुणिता, जो कि पवनदीप और अरुदीप के फैंस के लिए एक बहुत बड़ा ट्रीट है। और इतना ही नहीं, जो अरुणिता का ट्रॉफी है रनर अप का, वो पवनदीप के मां के हाथों में है। अब दोस्तों इसमें बिहाइंड द सीन की बातें क्या है, होता कुछ इस तरीके से है कि पवनदीप, साइली और अरुणिता एक साथ पोज करके फोटो खिंचवा रहे होते हैं। उसी के बीच में पवनदीप का सोलो निकालने के लिए जब साइली और अरुणिता साइड जाते हैं, तो अरुणिता की माँ और अरुणिता एक जगह पर होते हैं और अरुणिता के हाथ में ट्रॉफी होती है रनर अप की। ऐसे में ज्योतिदीप आती है अरुणिता के पास, यानी पवनदीप की बहन अरुणिता के पास आती है, कुछ पिक्चर्स लेती है, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करती है, क्योंकि वो भी रनर अप है। सेकेंड पोजिशन में अरुणिता आई हुई है। ऐसे में अरुणिता का नज़र उनकी पवनदीप के माँ के आँखों से लड़ता है और वो जाके प्रणाम करती है। एक्चुअली जो भी हमारे दोस्त के जो फैमिली मेम्बर है, जो भी बड़े लोग हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं, तो ये प्रणाम करती है। उसके बाद उनका एक फ़ोटो लिया जाता है और तभी अरुणिता पवनदीप के माँ के हाथों में वो रनर अप का ट्रॉफी देती है। तो ये थी दोस्तों कुछ बिहाइंड द सीन की बातें, जो कि मुझे जहाँ तक मेरे सोर्सेस से पता चली है, अब ये कन्फर्म्ड है कि अनकन्फर्म्ड है ये तो पता नहीं, लेकिन एक बात तो श्योर है कि कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि इसके एक छोटे से क्लिप को तो मैंने भी देख रखा है। अब फाइनली दोस्तों ये सारी चीज़ें, इंडियन आइडल सब खत्म हो चुकी है, लेकिन मैं आपको पवनदीप और अरुणिता से रिलेटेड जानकारियाँ देते रहूँगा। और कहीं ना कहीं ये पिक्चर दिखाती है कि डेफिनेटली हमें अरुणिता और पवनदीप की जोड़ी आगे आने वाले काफ़ी समय तक दिखने वाली है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आप चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करोगे तो छोटी छोटी डिटेल्स भी आपको वहाँ पर जानने को मिलेगी। और मैं तो ऐसे आपके लिए वीडियो तो ज़रूर बनाऊँगा, अगर कोई बड़ी खबर आती है, कोई बड़ी चीज़ आती है, तो उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा। लेकिन अगर आपको माइन्यूट खबर चाहिए तो चैनल मेंबरशिप को ज्वाइन करना। और एक चीज़ तो पिक्चर से साफ होता है ना, वो ये है कि अरुणिता और पवनदीप की जोड़ी आगे हमें दिखने वाली है, बहुत समय तक दिखने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है जो भी थोड़ी सी जानकारी मैं दे पाया हूँ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।